यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर की आपको बता दें कि संत रामपाल की जो रेगुलर बेल है, और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो जेल बदलने की याचिका थी उस पर सुनवाई फिलहाल चल गई है। इसके अलावा जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में ये सुनवाई होनी थी लेकिन टल चुकी है। याचिकाकर्ता पक्ष ने बहस के लिए और भी समय मांगा है। और क्या जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 16 मई को दोनों मामले में अब अगली सुनवाई होने वाली है। फिलहाल ये सुनवाई टल चुकी है पूरी तरह से। तो संत रामपाल की रेगुलर बेल और जेल बदलने की ये याचिका थी और इसी याचिका पर सुनवाई होनी थी आज, लेकिन ये फिलहाल के लिए टाल दी गई है। कारण यही निकलकर सामने आ रहा है कि याचिकाकर्ता पक्ष ने बहस के लिए समय मांगा है। कुमार रमेश चंडीगढ़ से खबर तक संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए कुमार रमेश, इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। तो ये कथित संत रामपाल ने अपने रेगुलर बेल के लिए जो है हाईकोर्ट में अप्लाई किया था, और रेगुलर बेल पर जो याचिकाकर्ता की तरफ से बहस के लिए समय कहा गया, और जिसके कारण जो है इस पर 16 मई की डेट लगा दी गई है। और क्योंकि कथित जो रामपाल हैं वो ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल की उनका इतना बड़ा कसूर नहीं है जितना कसूर उनको कागजों में दिखाया गया है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि उनको रेगुलर बेल मिले, जिस पर हाई कोर्ट ने आज ये कहा कि पहले बहस हो जाए उसके बाद। ये पूरा मामले पर अब जो हाई कोर्ट है वो क्या कुछ कहता है सुनवाई के दौरान। शुक्रिया कुमार रमेश तमाम जानकारी के लिए।